आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 9 जूसेस कि जो आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा आपके इरेक्शन में, मतलब लैंगिक कठोरता में और स्टेमिना टिकने में। आइए जरा डीप डाइव करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नंबर एक है पानी। ये पानी जो है ये कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेल हाइड्रेटेड यदि आदमी रहा तो बहुत फायदा सेक्सुअल लाइफ में होता है। यदि आपको पानी पीना बहुत बोरिंग लगता है तो कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीते जाना, बहुत फायदेमंद रहेगा। नंबर दो, अनार जूस, पोमग्रेनेट जूस। ये स्टडी में पाया गया है कि 2 महीने तक एक ग्लास रोज आप लेते हैं 2 महीने तक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम निकल जाता है। अनार जूस 2 महीने तक एक ग्लास जूस रोज सवेरे आप लेते हैं। नंबर तीन जो है वो ग्रीन टी। जो आप चाय पीते उसके बदले आपने ग्रीन टी चालू कर दिया तो ग्रीन टी का फ़ायदा देखो, जादुई फायदा आपको दिखेगा आपके सेक्सुअल फंक्शन में और लास्ट लॉन्ग में, मतलब लॉन्ग लास्टिंग में। नंबर चार जो है वो है जिनसेंग टी। जिनसेंग टी जो है 9 अलग अलग स्टडीज़ में पाया गया है 20 से 70 साल की उम्र के लोगों को जिनसेंग टी दिया, 9 अलग अलग स्टडीज़ है, और 3 महीने बाद में ये पाया गया कि उनमें इरेक्शन के प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक ठीक हो गए, निकल गए। तो ये जिनसेंग टी है और रोज़ आप लेते हैं जिनसेंग टी, फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर पाँच, योइम्बी टी। योइम्बिन टी जो है, योइम्बिन पाउडर मिलती है उसका चाय बना के आप लेते हैं तो इसमें योइम्बिन रहता है और योइम्बिन ये एफ्रोडाइजियाक है, मतलब इच्छा बढ़ाता है। नंबर छः है अश्वगंधा टी। अश्वगंधा टी आपको सबको ही पता है कि अश्वगंधा टी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी, मतलब शुक्राणु की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाता है, इच्छा होती है और इरेक्शन प्रॉब्लम और स्टेमिना प्रॉब्लम में भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर सात है बीट रूट जूस। एक ग्लास रोज आप लेते हैं और 6 महीने तक आप लेते हैं तो आपको देखिए बहुत फ़ायदा बीट रूट जूस का मिलेगा। ये सभी जो जूस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर है। नंबर आठ जो है वो मक्का पाउडर। 50 पुरुषों के ऊपर प्रयोग किए गए मक्का पाउडर, उनको पानी में या ऐसे पल्प बना के दिया 50 पुरुषों को 12 हफ्ते तक और वो लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत फ़ायदेमंद वो रहा, मक्का रूट्स पाउडर। फिर 9 है तरबूज जूस। तरबूज जूस आप लेते हैं रोज़ एक ग्लास तरबूज जूस और 4 महीने तक आप लेते हैं तो आपको सिट्रुलिन बहुत ज़्यादा है तरबूज जूस में, बाय द वे सिट्रुलिन ये प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का और नाइट्रिक ऑक्साइड ज़रूरत है उसकी खून बढ़ाने में, खून का प्रभाव बढ़ाने में, लिंग में। तो तरबूज जूस आप लेते डायरेक्ट आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये 9 जूस जो है ये अलग अलग, मतलब 9 जो ड्रिंक्स है ये आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बिना दवाई का फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको फिर से गिनाता हूँ। नंबर एक है नेचुरल वाटर या नारियल का पानी, नंबर दो अनार जूस, नंबर तीन ग्रीन टी, नंबर चार जिनसेंग टी, नंबर पाँच योइम्बिन टी, नंबर छः अश्वगंधा टी, नंबर सात बीटरूट जूस, नंबर आठ मक्का पाउडर पानी में डाल के, नंबर 9 तरबूज जूस। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।